हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टूटी हड्डी को ठीक करने के घरेलू उपाय। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एक्सीडेंट या चोट लग जाने की वजह से कई बार हड्डियाँ टूट जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है। फ्रैक्चर होने पर आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि इसका सही तरीके से इलाज किया जा सके। हड्डी में फ्रैक्चर होने पर दर्द, सूजन और फ्रैक्चर वाले जगह पर मूवमेंट में दिक्कत होती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद ली जा सकती है, जो काफी प्रभावी होता है। तो आइए मैं आपको उन उपायों के बारे में बताऊंगी जो हड्डी के फ्रैक्चर होने पर दर्द को कम करने में मदद करते हैं। हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। फ्रैक्चर के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने में हल्दी बहुत फायदेमंद होती है। इसका सेवन कई तरीके से किया जा सकता है। आप हल्दी वाला दूध या हल्दी प्याज के पेस्ट को 1 से 2 दिन तक फ्रैक्चर वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं। अनानास। अनानास ब्रोमिन नामक एंजाइम का उच्च स्रोत होता है, जो हड्डी में फ्रैक्चर के दौरान होने वाली सूजन और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए अनानास का सेवन रोजाना करें। ताजा अनानास ही खाएं, इसके जूस का सेवन ना करें। कैल्शियम व खाद्य पदार्थ। सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये मिनरल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। जब भी हड्डी में फ्रैक्चर हो तो कोशिश करें कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। डेयरी प्रोडक्ट्स। हरी सब्जियां कैल्शियम के स्रोत है। सरसों का तेल। सरसों के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सरसों के तेल को गर्म करके उससे प्रभावित क्षेत्र पर मसाज करें। सरसों के तेल से हीट उत्पादित होती है, जो दर्द को कम करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।